साहिल ने अपनी खास खाला के संग रेप करा, खास खाला के साथ, खास खाला के साथ, अच्छा चाचा की साली के साथ, और रेप केस में मथुरा बंद रहा, मथुरा बंद रहा था 3 महीने के लिए। हाजी सेट्टी एक है नवाब और एक है आमीन, ये लीडर आदमी, इनकी कंपनी चल रही है, इनको इन्होंने छूट दे रखी, तुम कुछ भी करो, पीछे को बैठे हम। 203 नंबर मस्जिद आपको हमने 3-4 दिन पहले दिखाया था, यहाँ भारी मात्रा में पुलिस पहुंची थी और आरोप कई थे जो है कि ताला वगैरह तोड़ने के आरोप थे। अभी लोग वहीं के हैं, कुछ पेपर वगैरह लेके खड़े हैं, अभी बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? एहसान। एहसान, क्या परेशानी है, क्यों परेशान हो आप कई दिन से फोन कर रहे हैं? परेशानी है जी, यहाँ हुआ था कुछ 7 महीने पहले मर्डर। अच्छा जी, मर्डर में वो जैसे अपने घर को खोलने के लिए आए तो हमारा जो चाचा का लड़का है वो बनाने लग गया है वीडियो। अच्छा, तो वीडियो बनाने लग गया, उससे गाली को गलौज करने लग गया। जो हमारी चाची थी तो उसको ना हमारे चाचे के लड़के को वापस ले आई बना के नहीं। अच्छा, तो आ गया अपने घर पे, यहाँ पे जी, यहाँ पे आके ना सबने, मेरी घरवाली बैठी थी यहाँ पे दरवाजे में, हमारे घर एक ही मान लो। अच्छा, यहाँ पे बैठी थी वो, तो उसको उनके ऊपर सारे सारे नो हमला कर दिया। अच्छा, घर में से निकाल के मारा, मेरी घरवाली पेट में था 5 महीने का बालक। अच्छा, उसकी ज्यादा कंडीशन खराब हो गई थी, मैं 4-5 महीने उसकी छुट्टी करा के लाया हूँ, ये थे उसके कागज जी। इन्होंने हम छुट्टी करा के लिया है तो इन्होंने अपना बालक गिरा दिया। अच्छा, मतलब हमारे ऊपर मर्डर लगाने के लिए। अच्छा, एक अस्पताल में संतोष हॉस्पिटल में यहाँ बालक गिरा दिया। अच्छा, गोली खिला के पेट में से बालक गिरा दिया, मुकदमा लगा रहे हैं। किसने लगा दिया झूठा मुकदमा? इन्होंने जो ये है, जो जिन्होंने मर्डर, क्या नाम है? मजीद, वो था खालिद की घरवाली का बालक गिरा दिया। अच्छा, तो उसने वो झूठा मुकदमा हमारे ऊपर लगा रहे हैं। अच्छा, हमें डर है इस बात का, तो हमारे साथ इंसाफ हो, हम चाहते। कौन लोग हैं ये लोग, क्या करते हैं ये सारे? ये 2 नंबर का काम करते हैं, इनका गांजे का। ये आपने पेपर वगैरह कुछ लिया है क्या है? ये गांजे का काम करते हैं जी। ये कितने पेपर हैं, कितनी FIR है? सारी FIR इनकी है जी, देखो। अच्छा, सारा 2 नंबर का काम है इनका। ये तो 5-7 FIR आप लिए हो, पीछे दिखाना हो कितने, सब इनके ऊपर दर्ज हैं? सारे इनके ऊपर दर्ज हैं। अच्छा, सारे NDBS की है। 5 साल में जेल में पड़ा हूं। अच्छा, सारे MBBS की वो है। अच्छा, ये गांजा बेचते हैं? गांजा बेचते हैं। 600 किलो गांजे में पकड़े गए। अच्छा, 600 किलो गांजे में सप्लाई में पकड़े गए, अपनी गाड़ी थी इनके पास, और दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद है। अच्छा, ठीक है, ये देखो जी, सारे हर थाने चौकी के इनके ऊपर केस है गांजे के। अच्छा, ठीक है, हमारे को ये धमकी देते हैं कि हमारे पास पैसा बहुत है। थाना पुलिस ने कई मामले दर्ज किया इनके ऊपर। हाँ जी, मामले दर्ज दिखा रहे हैं, अधिकतर डबुआ थाने के हैं। डबुआ थाने के पैसा बहुत है, CIA में सब जगह इनके केस है जी। ये डबुआ पुलिस को गलत बताते हैं, क्या कारण? नहीं नहीं, ये गलत नहीं बता, पुलिस गलत नहीं है। अच्छा, ठीक है, पुलिस गलत नहीं है, पुलिस सही है। अच्छा, पुलिस ने इनके ऊपर इतने मामले दर्ज किए हैं, शायद इसलिए जो मतलब जी, एक केस जो दिल्ली का हुआ था क्राइम ब्रांच का, उसमें इन्होंने क्या करा, बालिक था उसमें, नाबालिक की उन्होंने जन्मपत्री बनवा के उसको बालिक साबित कर दिया वहाँ। अच्छा, 600 किलो गांजे का साहिल के ऊपर केस है वहाँ से, इसका बाप है जाकिर जो वो वहाँ जेल में बंद है फिलहाल। अच्छा, और इनका ये तस्करी का काम है जी। अच्छा, हम रिक्वेस्ट ये चाहते हैं प्रशासन से भी और सबसे कि जी हमें सुरक्षित रहना चाहिए। किस बात का डर है आप लोगों को? हमें डर है अपनी जान का। अच्छा, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है गांजे का। अच्छा जी, हमें कभी भी कुछ कर सकते हैं, इन्होंने अपना बच्चा डैमेज करके और हमारे सिर डाल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, हमें डर है इस बात का कि ये बच्चा डैमेज करके हमारे ऊपर ना डालें। हमने जो केस जो हमने फाइल किया है, ये लो, हमने बच्चा हमारा डैमेज होने की वो थी कगार पे, तो हमने जो ट्रीटमेंट शुरू करवा रखा है वो बच्चे रोकने का है जी। अच्छा, ठीक है, हमें बच्चा नहीं गिराना, किसी पे नाजायज केस नहीं कराना, ये देख लो। अच्छा अच्छा, ठीक है, हमारा जो केस चल रहा है वो बच्चे रोकने का चल रहा है, गिराने का नहीं चल रहा। इन्होंने अपना बच्चा गिरा दिया। अच्छा, और हमारे ऊपर ये भगे हुए डोल रहे कि केस बने। अच्छा, तो हमें बस रिक्वेस्ट है, अपील करते हैं कि जो सच्चाई है उसको सामने आए। वो गांजे का केस सब पे, एक समीम है, जाकिर है, जितने लीडर आदमी है, एक तो है हाजी सेट्टी, एक है नवाब और एक है आमीन, ये लीडर आदमी, इनकी कंपनी चल रही है, इनको इन्होंने छूट दे रखी, तुम कुछ भी करो, पीछे को बैठे हम, जो भी काम कराते है हाजी सेट्टी कराता है इनको। अच्छा, CIBC का मुकदमा दर्ज है उसके ऊपर, और ये खुद फरोड आदमी है हाजी सेट्टी है जो। ये लो सुनो जी, इन्होंने आपसे कुछ दिन पहले मर्डर किया था, ठीक है, मर्डर बता दिया, लड़के का मर्डर करके इन्होंने दे दिया वहाँ के जी, मर्डर कर दिया। अब ये आए हमारे पास,
मैं इनके किस केस में फंसाओगे आप भाई, वो कोई मर्डरी थोड़ी है, कहने लगे नहीं नाजायज है। अच्छा ठीक है, हमने तो ये बोल दिया कि नाजायज है, और सर हम ये चाहते हैं कि इसकी पिछले केस की भी अपील होनी चाहिए, कोई निर्दोष नहीं जाना चाहिए, छह बंदे उसमें बंद है। ठीक है, जो मर्डर केस हुआ था यहाँ पे छह बंदे उसमें, वो भी निर्दोष है, वो भी इन्होंने खुद ने मारा था, नहीं वो पैरों में लाठी लगने से कौन मरता है। देखो सर ये दिखाओ लाइव, देखिए रहा, ये कह रही है कि ना जाइए केस। अच्छा ये गूंगी है, इसकी बहन, ये इसकी जो दिलशाद एक्सपायर हुआ था उसकी बहन है ये। अच्छा देख लीजिए, और उसकी एक भांजी है। अच्छा अच्छा, ये कह रही है कि ना जाइए। ठीक है, और सर ये दूसरा देखो, आपके भाई 55 लाख रुपए लेके नाम कटवाए। अच्छा ठीक है, 55 लाख उठाएंगे। ठीक है जी, ये इनका तो आप लोगों ने 55 लाख रुपए दिया था। हमने 55 लाख दिया है, और ये ऐसे करते पैसे लेके नाम कटवाते, 55 लाख रुपए लिए हैं इन्होंने, ये कह रहे हैं अपने मुंह से। हाजी सेठी ने 55 लाख रुपए लिए जी। अच्छा अब ये देख लो आप, इसके आधार पे लड़ो, इनके मुंह की जबानी हमारे मुंह की कोई जबानी नहीं है सर। अच्छा तो क्या क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं इंसाफ चाहते हैं। अच्छा अच्छा, हम कोई नाराजगी, ऐसी कंडीशन है, अभी भी दवाई गोली चल रही है, आप कहते तो मैं ला के दिखाता हूँ आपको। कोई बात नहीं, पेपर मैंने देख लिया जो है, अभी भी मैं 5 दिन में उसकी छुट्टी करा के लाया हूँ, पेट में लात मारने बाद बाइक आई थी, सबों ने उसको मारा था, बदतमीजी करी उसके साथ, बहुत ज्यादा बदतमीजी घर पे आके। साहिल ने अपनी खास खाला के संग रेप करा, खास खाला के साथ, खास खाला के साथ, चाचा की साली के साथ, रेप केस में मथुरा बंद रहा, मथुरा बंद रहा था 3 महीने के लिए, 6 महीने अंदर रहे, 6 महीने बाहर रहते हैं जी। अच्छा अच्छा जी, इनका काम यही है, ये हमारा मुकदमनामा है। अच्छा ये हमारा मुकदमनामा है, इस पे कार्रवाई चल रही है, डीसीपी आप वो कर रहा है इससे तब्दील। अच्छा हम ये चाहते हैं इंसाफ मिले, चाहते हैं ठीक है, पुलिस बढ़िया कर रही है हमारे, ठीक है ठीक है ओके। और वो देख सकते हैं, बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, बहुत बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, देख सकते हैं कई FIR भी है, 5-7 FIR भी है, कई डबुआ थाने में दर्ज हुई है, एक नू में शायद दर्ज हुई है उधर, और दिल्ली में दर्ज हुई है, देख सकते हैं अभी इन्होंने दिखाया था पेपर, हरियाणा अब तक से पुष्पेंद्र कुछ और कह रहे थे क्या सर? एक चीज और, ये सब पे आरोप ये लगाते गुंडे हैं। हाँ जी, हम गुंडे हैं तो हमारे ऊपर एक भी एप्लीकेशन या FIR दर्ज दिखाओ। अच्छा। पूरे हरियाणा का चैलेंज है, फरीदाबाद का नहीं, पूरे हरियाणा का। और इनके ऊपर कई दर्ज हैं, इनके ऊपर देख लो जी, NDBS की है, बालक बालक सर, कोई भी ऐसी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे इनके जेल काट के, आप दिखा रहे हैं जो, हाँ जी ठीक है, 76 से लेके सारा, और इन्होंने अपना लड़का मार के और नुके इनके सिर पड़ दिया, वो कहते हैं 55 लाख रुपए ले लिए फैसले के। चलो ठीक है कोई बात नहीं, हमारे पास सर सारे सबूत है, ठीक ठीक, और वो देखो जाके वहाँ, मैं हूँ, मेरे भाई ये है, दोनों हैंडीकैप, मुझे इस बात का डर है कल को हमारे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। क्या अनहोनी जी, गाजे फेंक दे, गाजे फेंक दे, छतों पे गाजा फेंक सकते हैं, फंसाने के लिए आप। मैं जी, मैं और मेरा भाई, मेरे भाई और मेरे भाभी दोनों हैंडीकैप है जी, मुझे डर है इस बात का, कहीं कोई बात गांजा वांजा फेंक दे, ये कुछ भी कर सकते हैं जी, और धमकी देते हैं, कहते हमारी जिंदगी तो जेल में जाएगी, एक आदमी तुम्हें फंसाएंगे, हमारी तो जिंदगी, हमारा बाप हमारा काम ही है, हम भी जेल पड़ा, जेल से हम डर है, जेल हमारा घर है, हम तो 6 महीने अंदर रहते, 6 महीने बाहर रहते, ये तो खुली धमकी देते हैं जी जनाब। कोई बात नहीं, पहुँचाएंगे आपकी आवाज जो है सर, एक बार उसको लेडीज पीड़ित है जो, उसको भी एक बार देख लो। अच्छा ये क्या हुआ इनको? पेट में बाल के 5 महीने का, तो इन्होंने सबों ने लात घूसों से मिलके सबों ने मारा था। अच्छा समीम ने घर से पकड़ के निकाली थी, खींच के निकाली थी, ये बहुत ज्यादा दिक्कत है, 5 दिन में तो मैं आप छुट्टी करा के लाया हूँ। अच्छा। पेट में बाला के पास कोई बात नहीं, आराम करने दो इनको जो है, ठीक है, ज्यादा तबीयत खराब दिख रही है। हमको सर, हमको धमकी इतनी देते हैं, ये बहुत ज्यादा। कौन देता है? ये जमील है, जमील पता क्या कह रहा, 300 सोने लगवा देंगे, बालक गिरवा दिया। अच्छा हमारे पे फोन आया था, नवाब इसमें और हाजी सेठी, ये इनको लीडर है इनके, और वो धमकी दिलाते हैं कि जो तुम आदमी मार दो हम देख लेंगे, पीछे हम बैठे हैं, और हाजी सेठी लीडर जी। तो आपने पुलिस को बताया? पुलिस को शिकायत दी है सर? बता दिए पुलिस को, कार्रवाई कर रही है पुलिस, हमारी कार्रवाई कर रही है, इसमें लीडर ये 3 आदमी है, मेवलिया नवाब, मेवलिया आमीन और हाजी सेठी, और आमीन पे केस लगा पड़ा है और भगा पड़ा है आमीन, ये लीडर है जी। ठीक है ओके।